आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज ज्योतिष के आधार पर कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार कैसा रह सकता है और ज्योतिष के आधार पर आज आपका राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है, कौन सी राशियों को आज लाभ मिलेगा, किन राशियों को संभल के चलने की ज़रूरत है, कम्युनिटी बाजार कैसा रहेगा, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा या तेजी रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका माग्राम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश साठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु। आज 14 दिसंबर 2021 मंगलवार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। ये शो मार्केट टाइम्स टीवी और अजय एस्ट्रो मनी गुरु के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावना बनेगी, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हलचल रहेगी और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना बनेगी, इसकी विस्तृत जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। याद गौरतलब है कि बाजार में तेजी है या फिर मंदी, लेकिन जब तक आप नहीं कमा रहे हैं कोई फायदा नहीं। धनिये में तेजी हो रही है, सोयाबीन के अंदर उठाक पटाक हो रही है, बुलियन सोने या चांदी के अंदर गिरावट है या शेयर बाजार के अंदर तेजी से गिरावट के बाद फिर बाउंस बैक हो रहा है, जब तक आप मुनाफा नहीं कमा रहे उसका कोई फायदा नहीं। राशि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और पांचवा तत्व आकाश इन चारों तत्वों में समावेशित है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। आप एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, कई बार आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है और तेज निर्णय आपको कभी फायदा भी दिलाते हैं, लेकिन आज निश्चित रुख है 1 से 2 बजे के बीच में, रखिए अतिरिक्त सावधानी। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, दिन आपके लिए मुफीद है, अच्छा है, लाभकारी है, लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियां, निश्चित रुख की तरफ इशारा कर रही है, तेजी, तेज दिमाग, तुरंत निर्णय और तुरंत एग्जीक्यूशन आपकी खासियत है। 3 से 4 बजे के रूप के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, तकलीफ में आ सकती हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 4 से 5 बजे के बीच में एग्रो कमोडिटीज के जो कारोबारी हैं विशेष ख्याल रखें। एक विशेष बात, आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम जो डायरेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है यानी दक्षिण पूर्व का जो इलाका है वो आपके आर्थिक स्थिति को डिनोट कर देती है, आप कितने समृद्धशाली हैं, कितना लाभ कमाते हैं, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अक्सर निर्धारित करती है। अतः साउथ ईस्ट कोने को हमेशा साफ रखें, फूल पत्तियों से सजा के रखें तो हमेशा आपके लिए बेहतर होगा और यहां से आपकी न केवल आपका लाभ एंट्री करता है अपितु आपकी समृद्धि, आपके घर परिवार और आपका स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रखता है। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि आज का राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा कमाने की स्थिति रहेगी और किन राशियों को आज किस वक्त संभालने की चल के जरूरत है। गुरु जी से अब जानेंगे कि अब जिन्सों का बाजार कैसा रहेगा, कम्युनिटी बाजार कैसा रहेगा। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के बारे में जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के आधार पर आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा देखने मिल सकता है और हाजिर में कैसा रुझान रहेगा। सबसे पहले आपसे
कृषि फसलों में, उस कृषि फसल के बारे में जानना चाहूंगा जिस पर इस वक्त निवेशकों की वायदा बाजार में और किसानों की हाजिर में निगाहें टिकी हुई है, यानी कि सोयाबीन। कर्नल अजय जी, हमने सोयाबीन में तेजी भी आते हुए देखी है, मंदी भी। तेजी में सब लोग बोलते हैं तेजी है, मंदी में बोलते हैं मंदी है। 100-200 पॉइंट की ऊपर नीचे भाव लगाकर दे दिया जाता है और बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं। लेकिन जब सोयाबीन गिरावट की ओर जा रहा था, तब आपने ही सबसे पहले बोला था कि सोयाबीन में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तेजी बिल्कुल बनेगी, और वो हमने होता हुआ भी देखा है। अब किसान आपसे ये मांग कर रहे थे बार बार कि कर्नल अजय से जानिए कि सोयाबीन का अब आगे का क्या भविष्य है, यहाँ से अब सोयाबीन में क्या करके चला जाए, अब सोयाबीन यहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अखिलेश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जब सोयाबीन में तेजी बन जाती है तो लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ तेजी तेजी चिल्लाने लगते हैं और जो भी भाव चल रहा होता है उससे 200-300 रुपए ऊपर आगे की बात बोल देते हैं। विपरीत जब बाजार गिरावट की ओर होता है तो बाजार के अंदर जो भी भाव चल रहा है उससे नीचे 300-400-500 रुपए नीचे बता देते हैं, और इससे नतीजा ये रहता है कि किसान हो या मिलर्स हो, वो देख भ्रमित हो जाते हैं कि अब किया क्या जाए। गौरतलब है कि जब सोयाबीन की फसल आने का समय था, 5000 के आसपास सोयाबीन की भाव लगभग थे और कहीं तो बहुत उससे नीचे भी थे। उस वक्त इसी आपाधापी के अंदर आंकड़ों के ऊपर और मार्केट के कुछ विशेषज्ञ के द्वारा जो बात की गई, उससे जो मिलर्स हैं या खाद्य तेल के व्यापारी हैं या खाद्य तेल के जो मिल ऑनर्स हैं उनके बीच में बड़ी कफ तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने नीचे के अंदर माल खरीदा नहीं। जब नीचे से माल नहीं खरीदा, ऊपर के जब दाम 30-35% बढ़ गए तो उनके लिए अब बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि नीचे से माल खरीदते वो, और जिसने मार्केट टाइम्स और हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर हमारा वक्तव्य सुना था, उन्होंने माल खरीदा और वो बहुत शानदार उन्होंने पैसा भी बनाया उन्होंने, अब क्योंकि उन्होंने नीचे का माल, नीचे के लेवल पे माल खरीदा हुआ है, तो वो ऊपर के दाम पे आराम से कंफर्टेबली अपना ट्रेड और व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन जिन मिल ओनर्स ने माल नहीं खरीदा खाद्य तेल के, उनके लिए उन्होंने और मंदी की धारणा धरी और 1-1.5 महीने के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई कि अब माल खरीदे या बेचें। यदि खरीदते हैं ऊंचे दाम पर तो उनके भाव ऑलरेडी परवरते नहीं है, और यदि इंतजार करते हैं तो आगे के लिए उनके पास कच्चे माल की बड़ी समस्या है। तो अब ये जो बड़ी असमंजस की स्थिति है, किसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसान को जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप यदि आप होल्ड कर सकते हो तो आपको मुनाफा मिलेगा, तो उसको मुनाफा मिल रहा है, और किसान तो अब जितनी जरूरत होगी उतना ही माल बेचता है, उसके घर में जितनी आवश्यकता होती है, जितना उसको घर चलाने के लिए चाहिए या अपनी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट की है, उसके हिसाब से वो माल बेचता है। लेकिन किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, वो समस्या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका कोई समाधान हो, ऐसी हमारी सरकार से भी अपील है इस टीवी चैनल के जरिए कि किसानों के पास स्टोरेज करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापारी वर्ग के पास जरूर स्टोरेज का यानी भंडारण का या गोदाम की उनके पास सुविधा है, लेकिन किसानों के पास में जो छोटे और मझोले किसान हैं उन और जिनके पास पूरे गोदाम को किराया पे लेने की क्षमता नहीं है, उनके लिए अपना माल कहाँ रखें, यदि वो माल रोक के बेचना चाहें तो वो कहाँ बेचें, वो कहाँ उसको भंडारण करें, कहाँ उसका स्टॉकिंग करें, कहाँ उसका वेयर हाउसिंग करें, ये एक बड़ी समस्या पूरे भारत देश में है। तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा छोटे और मझोले किसानों की तरफ से और छोटे और मझोले व्यापारियों की तरफ से भी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि छोटे मझोले किसानों का छोटी मात्रा के अंदर भी पर्याप्त भंडारण हो पाए और जब बाजार और वो अपना फसल वहां रख पाए और उस टाइमली उसको आगे के ऊंचे दामों में जब भी उनको मिले वो बेच पाए। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो किसान को तो अपना माल धीरे धीरे बेचना ही पड़ेगा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर भी और उनकी भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के वजह से भी। लेकिन व्यापारी वर्ग जिनके पास क्षमता है वो रोक सकते हैं। अब मिलर्स के साथ में जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या के लिए मैं यही कहूंगा कि सोयाबीन के ऊपर हम एक विशेष शो करेंगे मार्केट टाइम्स के अंदर कि सोयाबीन का अब आगे 2-3 महीने का क्या भविष्य है,
और ये निश्चित रूप से है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन मिलर्स ने वो पहले हमारा प्रोग्राम नहीं देखा या देखकर भी अनदेखा किया, आज वो नतीजा भुगत रहे हैं। अब आगे क्या होगा उसके लिए मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि एक विशेष एपिसोड हम वीकेंड्स के अंदर करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। और जहां तक आज का सवाल है, मुझे लगता है कि आज धनिए के अंदर तेजी रहेगी। फिर हमने धनिए के अंदर तेजी की बात कही थी, देखिए जबरदस्त तेजी, अच्छी मूवमेंट धनिए में बनी, कोरिएंडर में। आज भी धनिए के अंदर मैं तेजी का रुख ही धारता हूं। इसके अलावा कपास खली एक बहुत महत्वपूर्ण पशु आहार है, क्योंकि कपास खली के अंदर न केवल पशुओं का दूध की क्वालिटी बढ़ती है और उनकी बेहतर होती है, प्रोटीन वगैरह में भी इसमें काफी उसको इजाफा होता है और ये प्रमुख पशु आहार में गिना जाता है। कपास खली के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी रही, जैसे हमने अग्रिम अनुमान भी दिया था, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी तेजी या मंदी स्थायी नहीं होती। स्थायी नहीं होने के की वजह यह है कि जैसे जिस प्रकार अभी आप सांस लेते हैं, चाहे कितना प्राणायाम से कितनी लंबी सांस ले लें, लेकिन एक समय के बाद आपको छोड़नी ही पड़ेगी, रेचक पूरक को आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अब कपास खली के अंदर कुछ मुनाफा वसूली के संकेत मिल रहे हैं। ऊपरी स्तर के ऊपर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, दैनिक प्रतिदिन की तेजी मंदी करते हैं, उनके लिए कपास खली के अंदर तेजी मंदी की संभावना है, प्रॉफिट की संभावना है, बन सकती है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो है वो है हल्दी। हल्दी के अंदर मुझे लगता है कि आज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, थोड़ा बच करके चले तो बेहतर रहेगा। जी अखिलेश जी, जी तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि आज हल्दी में तेजी की संभावना है, कपास खली में कुछ हल्की फुल्की मंदी बनती नजर आ सकती है और धनिए में तेजी की संभावना उन्होंने व्यक्त की है आज। और धनिए में हम देख भी रहे हैं कि वायदा बाजार में धनिए एक बार फिर से 9,100 के ऊपर उछलता नजर आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्नल अजय जी ने बताई है कि सोयाबीन के ऊपर, कि सोयाबीन में जो किसान है वो इतना सक्षम अभी नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक सोयाबीन को होल्ड करके चले। किसानों ने लगभग 3 महीने से ऊपर सोयाबीन को होल्ड करके रखा और उसका नतीजा हमने सोयाबीन की कीमतों में बढ़त के तौर पर देखा भी, लेकिन किसानों की भी कहीं ना कहीं एक लिमिट है कि वो इससे ज़्यादा टाइम के बाद होल्ड करके नहीं चल सकते, स्टॉक करके नहीं चल सकते। और दूसरा, उनके पास भंडारण की कोई सुविधा इतनी नहीं होती है। ऊंचे स्तर पर प्लांटों द्वारा किसानों से सोयाबीन की खरीद कर ली गई, जैसा कर्नल जी ने बखूबी बताया। और कर्नल जी के मुताबिक जब कुछ रिफाइनरों के पास, मिलरों के पास और प्लांटों के पास कुछ माल आया, तब उन्होंने क्या करा, फिर से अफवाहें फैलानी शुरू करी कि सोयाबीन में बिकवाली हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जो किसान है वो उनके आने में अपनी सोयाबीन की बिकवाली नहीं कर रहा है। किसान सक्षम नहीं है अभी, किसान के पास रोकने की क्षमता धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जैसे कर्नल अजय जी ने बताया कि आगे क्या रहेगा, उसका भी एक एपिसोड आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे कर्नल अजय जी के साथ। तो उसके लिए आप हमारा जो शो रोज़ आता है 10:30 बजे बाजारों के सितारे, वो देखते रहिए। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, हालांकि एक रेंज में ही देखने को मिल रहा है। और आज और कल यानी कि 14 और 15 दिसंबर को US फेडरल रिजर्व की बैठक भी है, जिस पर निवेशकों की नज़रें हैं। ऐसे में आपकी तरफ से सोने चांदी में अभी क्या करके चलने की सलाह रहेगी, कैसा रुझान रहेगा? अखिलेश जी, आपको याद होगा कल हमने बुलियन के अंदर आपको कहा था कि हम बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर ऊपरी स्तर पे कुछ ऊपरी स्तर आ सकते हैं, लेकिन वो ऊपरी स्तर स्तर मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अच्छा कल $1790 से भी ऊपर गोल्ड देखा गया और उसके बाद में सोने और चांदी के अंदर आज रात्रिकालीन के अंदर फिर मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ। थोड़ा आज भी थोड़ा सा लाल निशान में ही कुछ मूवमेंट होने की संभावना है, लेकिन जो आने वाले 2 दिन हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और कल के एपिसोड के अंदर हम बुलियन के अंदर एक स्पेशल एपिसोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुलियन के अंदर निचले स्तर के ऊपर यदि आपने शॉर्ट किया, ऊपरे स्तर पर यदि आप करेक्शन यदि ऊपरी स्तर पर आपने शॉर्ट किया है, तो आज मुनाफा जरूर वसूल कर लें, यानी बिकवाली की गई है तो उसके अंदर मुनाफा वसूल करने बुलियन के अंदर संभव है। कल या परसों के अंदर एक बार बुलियन के अंदर बाउंस बैक आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व की एकमात्र ऐसी टेस्टेड मेथोडोलॉजी है,
ऐसा पद्धति है विश्लेषण की जो सदियों से टेस्ट हुई हुई है और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस विदेशी आक्रमणकारियों ने इस सोने की चिड़िया के पर कतर दिए। ज्ञान विज्ञान संस्कृति भाषा इस पर लगातार हमले किए, हमारे विश्वविद्यालय हमारे ग्रंथ हमारी पुस्तकों की होली जला दी गई और कोशिश ये किया गया कि यहाँ इसका इसका भाषा इसकी संस्कृति इसके ज्ञान को समूल नष्ट कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है सृष्टि किसी भी को समूल नष्ट नहीं होने देती, अवशेष बाकी जरूर रहते हैं, फसल जल जाती है, फसल हताहत रहती है, बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर अंकुरित होता है और फिर एक वो पौधा पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उससे फिर फल निकलते हैं और हजारों की तादाद के अंदर वो बीज फैल जाते हैं तो वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाती है। यही सृष्टि का नियम है। ऐसे ही कुछ हमारी संस्कृति हमारी ज्ञान विज्ञान और हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हुआ है। हम पिछले 25 सालों से लगातार इसमें खोज अन्वेषण और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग खोजें, इस पे विश्लेषण करें और लगातार हर रोज विभिन्न टीवी चैनल्स हों या अखबार हों उसके जरिए इसकी श्रेष्ठता साबित करने का भरपूर प्रयास किया है और इसमें हम किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि आपने हमारे शो को एक एक दो दो लाख लोगों ने देखा है और सराहा है और आपके जो कमेंट्स आते हैं निश्चित रूप से मुझे मोटिवेट कर देते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और एक बार पुनः भारत विश्व गुरु बने। ऐसी जो हमारी जो सपना है ये हमारी धारणा है ये आप लोगों के जरिए पूरी हो रही है। आप इस मुहिम में शामिल होइए, प्रोग्राम को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए, अपने इस मित्रों को जरूर भेजिए ताकि हम इन भारतीय पद्धति को भारतीय सिस्टम को हम लोग पुनर्जीवित कर सकें। दोस्तों बुलियन हो या कच्चा तेल हो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, बुलियन के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल कर लीजिए यदि आपने शॉर्ट पोजिशन की हुई है तो। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि बुलियन में कर्नल जी की तरफ से शॉर्ट करने की यानी प्रॉफिट बुक करने की मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी आज के लिए। ये से कर्नल अजय जी अगर रुख करें अगर शेयर बाजार की ओर तो कल को आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की भविष्यवाणी करी थी जो कि अक्सर सत्य साबित होती नजर आई। कल ही को हमने देख लिया था निफ्टी बैंक निफ्टी में वैसा ही होता हुआ नजर आया था जैसे कि आपने हमें कल बताया था। आज की बात करें तो आज ज्योतिष के आधार पर और आपके आधार पर कैसा रुझान देखने को मिल सकता है शेयर बाजार के अंदर और किन कंपनियों के स्टॉक्स पर आज नजर रखी जा सकती है? देखिए आपको याद होगा अखिलेश जी कल लाइव मार्केट में जब बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट ऊपर थी और निफ्टी भी लगभग 100-125 पॉइंट 124-125 पॉइंट ऊपर थी उस वक्त हमने कहा था कि हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमें परवरता नहीं हो रहा है कि इस लेवल के ऊपर कुछ बाइंग की जाए, मुझे तो यहाँ से कमजोरी नजर आ रही है। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि 12-1 बजे के बाद में एक तरफा गिरावट चालू हुई और जो जो हरे निशान के अंदर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था वो एकदम गहरे लाल रंग में कन्वर्ट हो गया और सेंसेक्स लगभग 550 पॉइंट और निफ्टी करीबन 200-350 पॉइंट गिरावट पे बंद हुई। ये अद्भुत चमत्कार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने कल लाइव शो में दिखाया था। आज भी बाजारों के अंदर कमजोरी से ही ट्रेड हो रही है और इसके अंदर बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो थोड़ी सी कमजोरी दिखाई रही है दे रही है। सेंसेक्स के अंदर भी लगभग 450 पॉइंट 463 पॉइंट की गिरावट है और निफ्टी लगभग 17,230 पे ट्रेड कर रही है, 137 पॉइंट डाउन और बैंक और भारतीय रुपया भी कमजोरी दर्ज कर रहा है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि मैं अक्सर एक चीज आप लोगों से कहता हूं कि आप गिरावट में माल खरीदिए और तेजी में माल बेचिए, ये व्यापार का सदियों पुराना फार्मूला है। तेजी में तेजी करना मंदी में मंदी करना ये हमेशा आपको परेशान करेगा। आगे आने वाले 3-4 दिन के अंदर कुछ चंद स्टॉक्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूं, उसको आप देखिए समझिए अध्ययन कीजिए और आपको ठीक लगे तो उसमें निवेश छोटे अवधि के लिए किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला होगा फार्मा सेक्टर के अंदर सिप्ला के अंदर आज आप आने वाले कुछ समय के लिए निवेश कर सकते हैं। फ्रंटलाइन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, भारतीय एयरटेल दूर संचार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। तीसरा मेरा स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी, फार्मा कंपनियों के अंदर अग्रणी कंपनियों में से एक, इसमें भी नजर रखी जा सकती है। और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर HDFC लाइफ पेपर में नजर रखना चाहूंगा जो आने वाले कुछ समय के अंदर तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। गौरतलब है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जैसे ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरियंट कोविड का आ रहा है उसके अंदर भी मेडिकल इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस का
का रुझान आम जनता के बीच में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त फार्मा कंपनियों के अंदर भी, क्योंकि अभी कोविड का पूरी तरह से रुझान का या पूरी तरह से खतरा समाप्त नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। और तीसरी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट में दूर संचार की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए दूर संचार जो है, जैसे इंटरनेट है या टेलीफोनिक्स है, या ये आज के समय की मांग है और इसको आप नकार नहीं सकते, चाहे कोविड हो या ना हो। लेकिन इंटरनेट और जो ये दूर संचार वाली कंपनियां हैं, ये लगातार अब कार्टेल बना के धीरे धीरे अपने टैरिफ रेट्स बढ़ा रही हैं। पहले जियो बढ़ाएगा, फिर एयरटेल बढ़ाएगा, क्योंकि पहले एक कहा जाता है कि जब कोई सेक्टर शुरुआत के अंदर तेजी दिखाता है, बहुत सारे प्लेयर्स उसके अंदर मार्केट में होते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, और धीरे 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 कमजोर प्लेयर बाजार से हटते चले जाते हैं और फिर बाकी जो बाद में बचते हैं, एक या दो प्लेयर मैदान में रह जाते हैं और वो दो और तीन प्लेयर्स आपस में कार्टेल बनाते हैं, फिर आपस में ग्रुप बनाते हैं और फिर धीरे 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 जो फ्री और या बिल्कुल कम दामों पे जो नेट और दूरसंचार की सुविधाएं आम जनता को मिलती है, वो धीरे धीरे तेजी की रोखन अपनाने लग जाती है। धीरे 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 जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के अंदर पैसे बढ़ते 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 सेंचुरियां बना देता है, उसी तरह से अब दूर संचार में आने वाले कुछ समय में होने की संभावना है, क्योंकि मजबूत प्लेयर बाजार में बहुत कम रह गए हैं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, और ये बाकी छोटे प्लेयर सब बाजार से आउट हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक साइन है उपभोक्ताओं के लिए। मैं मार्केट टाइम्स के सभी के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि ये जो कार्टेल बनेंगे अब, उसके ऊपर सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए कि, और इनको ये करना चाहिए कि जो भी आप एक साल के अंदर आप उतना ही पैसा बढ़ा सकते हैं जो पिछले तीन साल के औसत के परसेंटेज के हिसाब से हो। ऐसे नहीं कि आप धीरे 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 आम उपभोक्ताओं को लगातार आप अपने टैरिफ बढ़ाते जाएं। इन तो मार्केट टाइम्स के टीवी के माध्यम से मैंने एक और आवाज उठाई थी कि MSP और MRP के अंदर, MSP की नजर की यदि दरें तय होती हैं तो MRP की यदि मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग की भी दरें तय होनी चाहिए, उसी तरह से दूर संचार कंपनियों को भी टैरिफ बढ़ाने के लिए यानी के लिए उसके अंदर भी सरकार की नजर होनी चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता परेशान ना हो। जी अखिलेश जी, जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एम सीवी पर। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।